जोहार। झारखंड कानून साज असेंबली के बजट इजलास के आज 8वां दिन मुकम्मल हो गए। वक्फा सवाल के तहत मंगल को सवालिया जुमरा दो में मुंतखब महकमों से मुतालिक सवालात के जवाब दिए जाते हैं। आज महकमा आला और तकनीकी तालीम, महकमा स्कूली तालीम और खानदगी, महकमा इत्तलात टेक्नोलॉजी और ई गवर्नेंस, महकमा सियाहत फ़न सकाफत खेल कूद और नौजवान उमूर, महकमा जंगलात माहौलियात और तब्दील आबो हवा और महकमा सनात के मुख्तसर मियादी और अलामती सवालात के साथ कुल 92 सवालात शामिल किए गए, जिनमें से 4 सवालात के जवाब ईवान में दिए गए। रोज रोज क्वेश्चन और को मत शो कंप्लीट है, जो बिल्डिंग कंप्लीट है उसको हस्तांतरण करने के विषय में ये सवाल मेरा है। पिछले विधानसभा सत्र में मेरे विधानसभा का भी एक निर्मित डिग्री कॉलेज के बारे में एक विषय आया था, तो उसमें सरकार के द्वारा आश्वासन भी दिया गया था, उसका कम से कम इम्प्लीमेंटेशन होना उचित है। विभाग द्वारा दिया गया उत्तर में देखिए कोई प्रारूप का पालन नहीं किया गया। आज वक्फा सिफर की कुल 21 इत्तलात में से सभी को पढ़ा हुआ माना गया। नियमानुसार राज्य शून्यकाल की सभी सूचनाएं पढ़ी हुई मान ली गई और इन्हें संबंधित विभाग को भेज दी जाए। वक्फा सवाल के बाद तवज्जो तलब का वक्त था। गुज़श्ता दिनों से मुलतवी तवज्जो तलब की इत्तला को मिलाकर कुल 25 इत्तलात आज फ़हरिस्त उमूर में शामिल किए गए थे, जिसमें से 2 को पढ़ा गया और उस पर सरकार का बयान लिया गया। श्रीनगर गांव के जो विस्थापित है उनको आपने बसाया बिना पर्चा का, ये सवाल का तो जवाब मिला है लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। संथाली भाषा का भी शिक्षक को लिया जाएगा। आज झारखंड कानून साज असेंबली के तरीक़ाकार और दस्तूर अमल के आईन 216(1) के तहत गैर जवाबी सवालात पर अमल दरअमद कमेटी की रिपोर्ट चेयरमैन श्री राम चंद्र चंद्रवंशी ने ईवान के मेज पर पेश किया। सभापति अनागत प्रश्न क्रियान्वयन समिति। माननीय अध्यक्ष महोदय, झारखंड विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 216(1) के तहत पंचम झारखंड विधानसभा की अनागत प्रश्न कार्यान्वयन समिति का सप्तम प्रतिवेदन सभा पटल पर उपस्थापित करता हूँ। माली साल के तहत आज 2023-24 के सालाना बजट में शामिल महकमा ज़रात मवेशी और कोऑपरेटिव, महकमा माही परवरी, महकमा डेयरी पर मुतालबात ज़र पर बहस मुबहसा और सरकार का जवाब और वोटिंग का दिन था। मुतालबात ज़र पर बहस मुबहसा में कई मुअज्ज़ज़ अराकीन शामिल हुए। जनाब रणधीर कुमार सिंह, जनाब डॉक्टर लम्बोदर महतो, जनाब अमित कुमार यादव और जनाब विनोद कुमार सिंह के जरिए मुतालबात और तख़फ़ीक तजवीज़ लाई गई थी। जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए 28,04,13,88,000 रुपये से अधिक राशि प्रदान की जाए। 7 नई योजना को लेकर आया हूँ उस राज्य के किसानों के लिए। हम लोगों ने भी कहा चलो भाई 7 नई योजना आई है, उन योजनाओं पर दुखद स्थिति है, उस योजनाओं पर कोई काम नहीं हो पाया अभी तक। दस महोदय खेती योग्य जमीन है, वैसी जमीन पर बिना नेचर को बदले हुए वहाँ पर बड़े बड़े इमारत बन जाते हैं। 34 कोल्ड रूम का निर्माण कराया जा रहा है। वैसे लोगों को अपनी छोटी सी जमीन पर हम कैसे आत्मनिर्भर बना सकें कृषि उत्पादन में? हमने समय पर बीज मुहैया कराया, खाद मुहैया कराया, कालाबाजारी रोकने के लिए रिकॉर्ड छापे मरवाए। अपनी बातों को रखते हुए आपसे अनुमति चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, हमारी मांगों को सम्मति दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, मुतालबात जल्द मंजूर होने के बाद ईवान की कार्रवाई 15 मार्च 2023 की सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दी गई। सभा की कार्रवाई बुधवार दिनांक 15 मार्च 2023 के 11 बजे पूर्वाहन तक के लिए स्थगित की जाती है।